अध्याय तीन देख रहे हैं, लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले तीन कारकों की चर्चा करें। सामाजिक विभाजन का मतलब होता है कि अगर आपका कोई समाज है, अब एक समाज में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रह सकते हैं। अब इसमें तीन चीजें आती हैं। सामाजिक विभाजन किस तरीके से हो सकता है, इसमें तीन चीजें मेन होती हैं। सामाजिक विभाजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो होती है राजनीति, पॉलिटिक्स। तो इसका परिणाम तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। लोग अपनी पहचान कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं। दूसरा आता है राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रहती है, राजनीतिक दल इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। और तीसरा आता है सरकार का रुख क्या है, जो आप उनसे मांग कर रहे हैं या जो सरकार सुन रही है वो किस तरीके से ले रही है, किस तरीके से उस पर रिएक्ट कर रही है। तो जो पहली चीज मैंने बताई, राजनीति का परिणाम इस तरीके से है सामाजिक विभाजनों का, कि यदि अपने आप को लोग स्पेशल मानते हैं, विशिष्ट मानते हैं, अलग मानते हैं अगर, तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपने आप को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यानी अगर इस पार्टीशन को छोड़ के, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, वो अपनी रीजनल पहचान छोड़ के अगर कहे कि मैं इस पूरी जगह का हूँ, तब दिक्कत नहीं होती है। अब बेल्जियम का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ के लोगों में जो भाषाई विभिन्नता थी, कुछ लोग डच बोलते थे, कुछ लोग जर्मन बोलते थे, कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे, उसके बावजूद भी वो अपने आप को बेल्जियम का ही मानते हैं। बेल्जियम मतलब वो बेल्जियम सिटीजन है। इससे वो एक साथ रहते हैं, रहने में उनको मदद मिलती है, एकजुट रहते हैं, वो एकता है उनमें। तो भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, मैक्सिमम जो है वो पहले भारतीय मानते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, उसके बाद वो कहते हैं मैं तमिलनाडु से आता हूँ। तो अगर किसी प्रदेश, क्षेत्र, धार्मिक या धर्म के या सामाजिक समूह, कोई सामाजिक समूह भी तो हो सकता है, जाट समूह हो सकता है, इसके ऊपर अगर भारतीय मानते हैं, तो ये जो लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह की जो भावना है, ये बहुत मतलब ये सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम इस पर बहुत डिपेंड करता है। दूसरी इसमें जो चीज़ आती है वो है राजनीतिक दलों की भूमिका। इसमें जो समुदाय है उसकी मांगों को राजनीतिक दल कैसे पेश करते हैं, उठाते हैं, क्योंकि संविधान की सीमा में जो आता है, दायरों में जो आने वाली और दूसरे समुदायों को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों का मान लेना बड़ा आसान है। अगर एक समुदाय, एक ग्रुप किसी चीज़ की मांग करता है और अगर वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है या संविधान की परिधि में है, संविधान में जो लिखा हुआ है उसकी परिधि में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब श्रीलंका में देखिए, वहाँ पर जो सिंहला बोलने वाले या सिहलियों के लिए ही जितने कानून बनाए गए, नीति बनाई गई, इन्हीं के फेवर में बनाए गए। तो उससे क्या हुआ कि जो एक दूसरा समुदाय था, जो कि करीबन 74% तो सिंहला थे, 18% करीबन तमिल समुदाय था, इनकी बिल्कुल अनदेखी की गई। तो इनके हितों के खिलाफ चीज़ें बनाई गई, सिंहला को आगे बढ़ाया गया और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया गया। ऐसे हिंदुस्तान में देखिए, 80% से ऊपर हिंदू है, 14-15% से ऊपर मुस्लिम्स हैं, बाकी और जो है जैन हो गया, सिख हो गया, वो अलग परसेंटेजेस में आते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो दिक्कत आ सकती है। ऐसा कोई राजनीतिक दल जो एक डोमिनेशन की बात करता है, वहाँ दिक्कत आएगी। एक है सरकार का रुख। सरकार का रुख क्या है, और सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई मांग की, जैसे सिंहला ने मांग की, सिंहलियों ने, कि हमें आप सारी चीज़ दीजिए, तमिल लोगों को छोड़िए, तो इस पे ऐसी अगर सरकार इनकी बात मान लेती है या नहीं मानती है, तो सरकार जो मांग उनसे हो रही है उस पे क्या प्रतिक्रिया देती है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार है, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे श्रीलंका में तमिल हैं, हिंदुस्तान में मुस्लिम्स हैं, इनकी अगर उचित मांग है तो उनको अगर ईमानदारी से सुना जाए और उनको एक सत्ता में साझेदारी दी जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनेगा। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर दे जो वाजिब
वाजिब मांग है, जो कि लॉजिकल मांग है, संविधान की सीमाओं के अंदर है, किसी दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो इसका जो नुकसान होगा, मतलब इसका असर उल्टा ही होगा। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन को, जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, उसको और ले जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक इंसान में, आप खुद भी सोचिएगा, आप में खुशी भी होती है, गम भी होता है, दिक्कत भी होती है, जेलेसी भी होती है, ये हमारे अंदर बसे हुए हैं। कोई अगर कहे कि मुझे जेलेसी नहीं होती या मैं इससे नफरत नहीं करता, तो गलत कह रहा है। एक इंसान के अंदर ये इमोशंस आए हुए हैं, लेकिन किस तरीके से इसको सही तरीके से, सही एंगल की तरफ लिया जाए, ये सरकार का काम होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक बहुत सामान्य बात है, और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी यही होता है या हो सकता है। राजनीति में अलग अलग तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अगर श्रीलंका ने ठीक से डील किया होता तो इतने 25 साल से ऊपर वहाँ पर सिविल वॉर नहीं हुआ होता, और लाखों लोग मरे नहीं होते, हज़ारों लोगों ने अपनी जान नहीं दी होती, और जो इकोनॉमी है वो और अच्छी होती। तो ये लोकतंत्र का मजबूत, एक कहें कि लोकतंत्र मजबूत होता है इससे। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? अब सामाजिक अंतर तो है ही, अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, तो इनमें अंतर तो है ही ना। अब ये अंतर है, लेकिन सब आपस में मोहब्बत से रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कब सामाजिक विभाजन बन जाता है, कब ये आता है कि इनके बीच में द्वेष या अंतर की भावना आ जाती है? तो हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, जरूरी नहीं है। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, जो अब हर देश में, हर सामाजिक विभाजनों में देखा गया है। लेकिन कई कई बार लोग इसमें पास आते हैं, ये जो इनके बीच में भिन्नता है वो एक पुल का काम करती है, मतलब आपस में जोड़ने का काम करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में देखिएगा, एग्जाम्पल, श्वेत और अश्वेत का अंतर, यानी कि ब्लैक्स और व्हाइट्स का जो अंतर है, वो एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अश्वेत लोग जो आमतौर पर वहां पर देखे गए, गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव के शिकार होते हैं। अब ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बदल गई है। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन देखेंगे, खासतौर पर जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसीज हैं, और जो मुस्लिम्स हैं, उनकी हालत वाकई में ऐसी है, गरीब और भूमिहीन है वो। अक्सर ये उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है, ये अक्सर देखा गया है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बन जाता है, तो लोगों को ये महसूस होने लगता है, लोगों को ये एहसास होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, और इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। आपने देखा था बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में दिक्कत कुछ नहीं थी, बेल्जियम ऐसा नहीं था कि ये डच जो लोग जो है वो, उनमें थोड़ी सी एक वो तो थी, नाराज़गी तो थी हल्की डच और फ्रेंच की, क्योंकि फ्रेंच अमीर थे और उनको सारी चीज़ें पहले मिल गई थी, डच को कम मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़ने भिड़ने लगे थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा नफरत थी, डिफ्रेंसेस थे। लेकिन सरकार ने, वहाँ के लोगों ने इस तरीके से मैनेज किया कि अब इन दोनों में ऐसा प्यार है, ऐसी भावना है कि बेल्जियम एक अच्छा कंट्री है, यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है ब्रसल्स में। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। तो सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल बड़ा खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है। अगर आपने कहा कि भाई ये एक समूह है और ये दूसरा समूह है, यहां तक ठीक है, लेकिन जब राजनीति आ जाती है तब बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती है। लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता होती है, हर आदमी अपनी पार्टी के टिकट पे जीतना चाहता है, हर पार्टी जीतना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। तो ये जो प्रतिद्वंदिता है, उसके कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है, क्योंकि अगर एक किसी को जीतना है और उसने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, इनको जाने दो, इनको हम कुछ नहीं देने वाले, तो ऐसा कई देशों में हो चुका है। अब आयरलैंड का एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है, काफ़ी समय तक यहाँ पर हिंसा, जाति कटुता रही, और ऐसा नहीं कि वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या कोई सिख की लड़ाइयाँ हो रही थी, यहाँ पर तो ईसाइयों में ही लड़ाई हो रही थी। जैसे हम अरब में देखते हैं कि बहुत सारे देश हैं जो शिया सुन्नी पे लड़ते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें इसका आयरलैंड का, तो यहाँ पर 53% जो आबादी है प्रोटेस्टेंट है, मतलब ईसाई धर्म में दो मेन वर्ग बांटे गए हैं, एक इसमें आता है प्रोटेस्टेंट और जो असली था वो था कैथोलिक।
तो कैथोलिक का प्रोटेस्टेंट की आबादी देखा जाए तो 53% प्रोटेस्टेंट है, 44% जो है रोमन कैथोलिक है। अब कैथोलिक जो हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं नेशनलिस्ट पार्टियां, उनकी ये मांग है कि जो उत्तरी आयरलैंड है उसको आयरलैंड गणराज के साथ मिला दिया जाए, जबकि प्रोटेस्टेंट लोगों का जो प्रतिनिधित्व करती हैं वो यूनियनिस्ट पार्टियां हैं, वो इनका इनको मेजोरिटी मानती है या इनको तरजीह देती है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और जो नेशनलिस्ट है, पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा इनके बीच में खून खराबा हुआ, लेकिन फिर उनके बीच में एक समझौता हुआ और उसके बाद ये जो हिंसक आंदोलन है वो बंद हुआ। अब यूगोस्लाविया की तरफ आते हैं, इसमें तो आप ये सही समझिए इथनिक क्लिनजिंग हुई थी, मतलब मास ग्रेव्स मिली थी ज़मीन के नीचे, हज़ारों लाखों लोगों की ग्रेव यानी कि लोग दबे हुए मारे गए पाए गए थे। तो वहाँ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर राजनीतिक होड़ में लोगों ने लड़ना शुरू किया, यूगोस्लाविया को कई टुकड़ों में बांट दिया गया, बल्कि 6 टुकड़ों में बांटा गया इसको, दो और है इसमें जो पार्टीशन बनाए गए, लेकिन जो देश बने वो 6 बने, 6 देशों में इसको बांट लिया गया। तो ये उदाहरण जो हम देख रहे हैं इसे क्या लगता है, किसी देश में यदि सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति नहीं होने देना चाहिए, राजनीति सामाजिक विभाजन को न उछालें, लेकिन राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति ऐसा नहीं है कि फूट पैदा ही करती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और अलग अलग समुदायों की उचित मांग और ज़रूरतों को पूरा करना या उनके लिए नीतियां बनाने की बात करना ये बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत सारे देशों में जो मतदान के स्वरूप देखे गए हैं वो सामाजिक विभाजनों के बीच एक बिल्कुल क्लियर संबंध दिखाई देता है। हिंदुस्तान में देखिएगा, अगर आप यूपी की बात करते हैं तो जो मायावती जी की सरकार है या अखिलेश यादव जी की सरकार है, मोस्टली जो गरीब गुरबा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और जो ओबीसीज हैं मुस्लिम्स हैं जो थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं वो इनको वोट देते हैं। तो ये संबंध है इनके बीच में, ऐसा नहीं है। तो इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनकी पसंद होती है, वो उनको वोट करते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियाँ हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है, हमारे यहाँ भी ऐसा देखा जाता है, और उन्हीं के हित में राजनीति करती है, और सबकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होती, देश ऐसा टूटता नहीं है। सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। अभी हमने इसका उत्तर देख लिया बड़े तफसी से, इसके पहले हमने उत्तर दिया। तो अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन हर तरीके की सभी किस्म के सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक अंतर अगर उसमें आप देखा जाए तो हमेशा इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। अब हिंदुस्तान में हर समय तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता रहता, कभी कभी होता है जब कोई किसी को भड़काता है या कोई ऐसा भाषण देता है या कोई ऐसी राजनीतिक पॉलिसी होती है तब कोई दिक्कतें आती हैं, अदरवाइज तो सब मोहब्बत से रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ प्यार से जी रहे हैं। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? इसका उत्तर है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। अभी अभी हमने बात की कि हमेशा ऐसा नहीं है। निम्नलिखित 3 बयानों पर आपको विचार करना है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति को की कई पहचान हो, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। तो कौन कौन से सही हैं? देखिए, जहां सामाजिक अंतर होते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, यह सत्य है। इसके अलावा यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं हिंदू हूं और वो ये भी कह सकता है कि मैं जंगल या एक्टिविस्ट हूं, जंगल बचाने का काम करता हूं, नदी बचाने का काम करता हूं। तो एक ग्रुप में तो है ही, वो दूसरे ग्रुप में भी वो अपने आप को पहचान दिला सकता है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने आयरलैंड की बात की, आयरलैंड में तो और कोई है ज्यादा है ही नहीं, मैक्सिमम जो है वो ईसाई है। तो ईसाई में ही भी जो, जैसे मैंने अरब का भी एग्जाम्पल लिया, कई अरब के ऐसे देश हैं, जैसे इराक का एग्जाम्पल ले लीजिए, इराक में शिया है, सुन्नी है, कुर्द्स है, तो उनके बीच में आपस में डिफरेंसेस है। तो भारत बहुत बड़ा देश है इसलिए ऐसा नहीं, कई देशों में आप श्रीलंका की बात ले लीजिए, वहां पर सिंहला तमिल के बीच में इतने सालों तक युद्ध होता रहा। निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें।
तो आप देखें इसमें एक के एक बात लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हों यह जरूरी नहीं है। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? उत्तर आता है इसका युगोस्लाविया, क्योंकि युगोस्लाविया में धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन हुआ। कैसे? 6 भागों में बटा। अब इसका उत्तर भारत इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत भी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान फिर दो भाग में डिवाइड हुआ क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग था। पाकिस्तान फिर इसमें एक्चुअल पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में डिवाइड हुआ। तो भारत इसका उत्तर है, युगोस्लाविया भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वाकई में यहाँ धर्म और जाति पहचान के हिसाब से दिक्कतें युगोस्लाविया में ज़्यादा आई। तो अगर आप इसका उत्तर लिखना चाहें तो युगोस्लाविया ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो क्यों ना इसको ग कर दिया जाए। भारत में भी है, बेल्जियम में कोई ऐसी विखंडन नहीं हुआ, नीदरलैंड में कोई विखंडन नहीं हुआ, युगोस्लाविया में 6 भाग में डिवाइड हुआ। भारत तो 2 भाग में डिवाइड हुआ, फिर 1 भाग और 2 भाग में डिवाइड हो गया, लेकिन युगोस्लाविया तो 6 भाग में डिवाइड हो गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 में प्रसिद्ध भाषण में कुछ अंश यहां पर लिखे हुए जो उन्होंने भाषण दिया था। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं और उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या थी? क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जो हमने मैक्सिको में देखा, मैक्सिको ओलंपिक में, कि 2 लोग जो अश्वेत थे अमेरिका से आए थे, जब प्राइज़ लेने वो खड़े हुए तो वो मोज़े में आए थे, जूता नहीं पहना, और हाथ में उन्होंने काला दस्ताना बांधा हुआ था, एक हाथ ऊपर खड़ा करके उन्होंने सर नीचे किया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसको रिप्रेजेंट की थी। तो मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं, मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी, और उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें अश्वेत स्त्री पुरुष गोरे लोग यहूदी गैर यहूदी प्रोटेस्टेंट कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगे और इस पुराने निग्रो प्रार्थना को गाएंगे, मिली आजादी प्रभु बरिहारी मिली आजादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार ना मार्टिन लूथर किंग साहब का ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक बार सुनिए। आप उनको सुन के आपको लगेगा कि क्या बात कही है इन्होंने। ये बहुत ही बड़े, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी है ना, वैसे मार्टिन लूथर किंग हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में जो बता रहे हैं, रंगभेद के आधार पर हुए जो सामाजिक विभाजन की बात वो कर रहे हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा देश हो, समाज का निर्माण हो जो मनुष्य को उनके रंग काले गोरे के आधार पर नहीं बल्कि उनमें जो गुण है स्किल है उनके आधार पर परखे। उनका ये मानना था, कहना था कि असली स्वतंत्रता फ्रीडम तभी मिल पाएगी जब हम जाति धर्म रंग और नस्ल के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। हम तभी स्वतंत्र कहलाएंगे असली रूप में। फ्रीडम हमें तब मिलेगी जब देश के सभी लोग को बिना किसी भी भेदभाव के एक साथ एक समान इक्वल सिमिलर समझा जाएगा। उनका बयान मैक्सिको ओलंपिक घटना से बहुत संबंधित है। उस घटना के द्वारा भी रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाई थी 2 लोगों ने, तथा इनके भाषण में रंगभेद को गलत ठहराया गया है जो कि वाकई में गलत है। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंगभेद का विरोध करती हैं। ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।